Welcome to Time News Studios. You are watching 3 p.m. Bulletin. लाहौर हाई कोर्ट नैब के ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के गिरफ्तार करण का रोके छो आमदनी का वधी का शासन ए मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस में शहबाज शरीफ की 17 जून तई उबूरी जमानत मंजूर 5 लख रुपये जा मचल का जमा कराने की हिदायत नैब एक भेरो बीहर ऑपोजिशन लीडर के 9 जून से तलब कर वरतो शहबाज शरीफ जो चवण है अदालतों में इंसाफ की उम्मीद है साथ दियण से कारकुनन जो थोरायतो है नवाज लीक कैमरा आडो नैब की जांच करण जो मुतालबो कर छो शाहिद खाका नवासी जो चवण है नैब ए न्याजी की बदनीयती अड अवाम आडो वायखी थी वही है शहबाज शरीफ पहंजो सब कुछ नैब के दई छो है वो 70 दिन तई नैब की हिरासत में भी रहो 56 कंपनियों ए साफ पानी की कंपनियों से भी तमाम घणी रणियों कई व्यू नैब चेयरमैन बुधाए तो वो हुकूमत का हिदायतों वो है या न कि हुकूमती वजीर नैब जहा टार्जन बण की अगकथियों कर रहा है वजीर आजम के तर्जुमान शहबाज गिल जो चवण है त शहबाज शरीफ के जमानत मिलने से आम शहरी मायूस थी वो अज खेस फरार थे जो मौको दिनों वो शहबाज शरीफ से संगीन केस ए सबूत मौजूद हैं हाँ हू परदेह फरार थे की कोशिश कंदो ही बुजदिल मानू आहन अग भी फरार थिया हाँ भी फरार थी वेंदा कराची में तबाह थे जहाज के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ए फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की डेटा की जांच जारी कप्तान की भनकड़ी से CAA की रिपोर्ट जारी रिपोर्ट में चाहिए तो लैंडिंग वक्त ATC की हिदायत से कप्तान अमल न कर लैंडिंग वक्त जहाज की ऊंचाई ए रफ्तार मुकर्रर हद का हुई कराची में तबाह थे जहाज के इंजन ए लैंडिंग गियर मलबे में गोला वो अमल भी जारी वे वजीर मुराद अली शाह जो चवण है 97 फौतिन में 92 जणन की सुणप थी वही है टिन लाशन की DNA टेस्ट बीहर थी रही है 89 लाश वारसन हवाले क्या व्या है सिंध में कोरोना वायरस जा 1824 रिकॉर्ड नवा केस जाहिर सूबे में वायरस वेगे 29 मरीज फौत थे बाद फौतिन जो अंग वधी 555 थी वो वे वजीर मुराद अली शाह तरफा जारी कल अंग अखर मौजूब कराची में 1284 हैदराबाद में 73 घोटकी में 36 शिकारपुर 24 ज्ञामशोरो कश्मोर कनकोट में 13 नवा केस जाहिर थे कंबर शदाद कोट में 10 खैदपुर दादू में 99 शहरी वायरस जो शिकार थी वह मीरपुर खास ए सिजावल जिलन में 68 नवा केस जाहिर वे वजीर मुराद अली शाह जो चवण है हेल तई 16,022 मरीज सेहतयाब थी चुका है सिंध सरकार मुख्तलिफ खातन जो खुद मुख्तियार ऑफिसेस खोलन जो ऐलान कर छो इजाजत मिलंद ही प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंटी करप्शन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन रेवेन्यू बोर्ड ए चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम जो ऑफिसेस खुली व्यू हुकूमत खुद मुख्तियार ऑफिसेस में कारोबार हलायण लाए जाब्ता भी जोड़े वरता 50 साल का जमार वे मुलाजिम सूदो खंग बुखार ए साह की तकलीफ में मुब्तला मुलाजिम ऑफिस में हाजिरी का आजा करा फरोख नसीम साहब बुधायो तो लंडन की मिल्कियत की मालूमात केड़ी रीत इंटरनेट ते शाया कई वही वहीद डोगर की शिकायत ते इंक्वायरी की इजाजत कहें नी जस्टिस मंसूर अली शाह जा सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायस ईसा केस की बुधनी दौरान रिमार्क्स जस्टिस उमर अता बनियाल रिमार्क्स डींदे चाहे तो इन केस में जस्टिस काजी फायस ईसा से करप्शन जो इल्ज़ाम ना लगाया वो अवा मनी ट्रेल की गाल करो था पर हि टैक्स अदायगी मामलो है केस लंडन वाली मिल्कियत जाहिर करण घुर्जे हाँ बुधनी दौरान फरोख नसीम जो चवण हो तो जज साहब पेरी प्रॉपर्टी 2004 में खरीद कई वही 2011 में मिल्कियत में धी जो नालो भी शामिल कियो वो जस्टिस उमर अता बंदियाल रिमार्क्स दींदे चयो तो जस्टिस काजी फायस ईसा जी 2009 में आमदनी 3,72,00,000 हुई कुछ अड़ो डेखारियो जैसा जज की करप्शन या बदध्यानती साबित थे
सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की हिदायतुन ते केएमसी डायरेक्टर जमील अहमद फारूकी के मुबैना जाली भर्तन के हवाले से शुरू थे जांच की बुनियाद से अहदे ता मौतल कयो वियो। फौरी तौर लोकल गवर्नमेंट हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के रिपोर्ट करने जो हुक्म। नैब रावलपिंडी संजय वडे वजीर मुराद अली शाह के एक भेरों बीहर तलब कर वरतो। नैब वडे वजीर के जाली अकाउंट्स ए सोलर लाइट्स केस में सुबाने 11 वगे नैब ओल्ड हेडक्वार्टर्स में तलब कयो। वडे वजीर सिर्फ एक भेरों ही नैब आडो पेश थो आहे। वडे वजीर ते सोलर लाइट्स केस में गैर कानूनी ठेका देने जो इल्जाम आहे। सिन असेंबली के इजलास में कोरोना वायरस विघे फौत थियल पीपीएमपीए गुलाम मुर्तजा बलोच लाए दुआ घुरी वही। वडे वजीर मुराद अली शाह ऑपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी तरफा मुर्तजा बलोच के भेटा पेश। इजलास में कोरोना सेटल मेंबर्स की सेहतयाबी लाए वेद आ। शहनाज अंसारी के कतल औरतन की मखसूस सीट से चूंडल एमपीए शर्मिला फारूकी हलफ खड़ी वरतो। इजलास में पुलिस मुकाबलन में मारजीवल अली हैदर ऊंझो सुमार महर ए नसीर चांडियो लाए भी दुआ घुरी वही। इजलास सुभाने 11 वगे तई मुलतवी। सिंध में कोरोना वायरस टिन जन हयातू गिड़काए वो। गिम्स अस्पताल गंबट में कोरोना विघे शिकारपुर वासी पीरसन फौत। हैदराबाद सिविल अस्पताल आईसीयू वार्ड में कोरोना में मुब्तला कराची वासी नौजवान जिंदगी की जंग हाराए वो। नसीराबाद में डॉक्टर की माओ कोरोना विघे फौत। मांझंद में पंज पनवाकिल में कोरोना जा वधिक टे। सेवण में अठ टनो मोहम्मद खान में एक औरत के कोरोना वायरस होने की तस्दीक। मदेजी ए कंडियारे में खानगी बैंक्स जहा ब ऑफिसर कोरोना में मुब्तला। नौ देरों में कोरोना के खर्चे सबब नेशनल बैंक के बंद कर। सिंध में टिन महीनों की बंदिश का पोए वन शहर ए जिले अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल। कराची हैदराबाद लाड़काणो सखर मीरपुर खास ए बिन शहर में अक्सर ट्रांसपोर्टर्स तरफा एसओपीस नजरअंदाज। शहर भी बस से सफर दौरान मास्क पाने वाले उसूल के नजरअंदाज कर छो। सिंध सरकार जो चवण है तो बसिस के सैनिटाइज कर मास्क पाने सूदो। एसओपीस से मुकम्मल अमल न थो तो कार्रवाई कई वी। ज़रई तरक्याती बैंक कोरोना वायरस की वबाई हालतुन बावजूद नढ़न आबादगारन के पोयां पैजी वही। आबादगारन का कर्ज उगाण लाए ख्वाजा सरा फकीरन का खिदमतू वठण जो फैसलो। ज़रई तरक्याती बैंक की इंतजामिया समूरन ब्रांचेस के सील करे लेटर जारी करो है तो खदरा फकीर डिफॉल्टर्स के घर में वही सदन नाला वठन। अखबारों ए केबल टीवी चैनल्स से भी कर्जी आबादगारन के नालन जहा इश्तहार हलायण की हिदायत। ज़रई तरक्याती बैंक के सदर हिदायत कई है तो कर्जी आबादगारन जहा नाला मस्जिदों में पढ़ा जा रहा है ख्याम। मशहूर टीवी अदाकारा रुबीना अशरफ कोरोना में वटी वही। रुबीना अशरफ टेस्ट पॉजिटिव अचान की तस्दीक कदे है तो संदस तबियत ठीक ना है। जैसे तो परदेह में मौजूद अदाकारा बुशरा अंसारी मुल्क में कोरोना वबा की तेजी से फैलजण से गणती जाहिर कदे है तो हुआ तेसी तई देह वापस नहीं दी जैसी तई कौम वबा के संजीदगी से न वठ। कराची में पुलिस कार्रवाई कंदे हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर व्यापारी इमरान खत्री ए कराची बार के वकील सैयद फरहत अली अस्करी के अगवा ए कतुल में मुलविस चार रुकनी गैंग के गिरफ्तार कर वरतो। पुलिस को चवण है तो जवाबदार 19 मई से वकील फरहत अली अस्करी के घर घुराए अगवा कयो ए वारसन का भुंग तलब कयो। पैसा न मिलने ते खेस घुटा डी कतुल कयो वियो। जवाबदार हैदराबाद में इमरान खत्री के बेपैसा फुरकण बाद कराची में कतुल कयो। मेहरापुर के सहाफी अजीज मेमर के कत्ल केस में अहम अग भराई। नौशहरो फिरोज पुलिस वधिक एक जवाबदार जुल्फिकार उर्फ पगो सहतो के गिरफ्तार कर वरतो। जवाबदार के अदालत में पेश कयो वियो। शाहिदन खेस सुणाणे वरतो। अदालत जवाबदार के एक ढीह के जुडिशल रिमांड से जेल मोकले छो। धारियन के जाली डोमिसाइल्स ठाई डेण खिलाफ़ सिंध सरापा एहतजाज बणियल। कंबर टंडोडियाम डहरकी डखण जरवार सरहद ए बिन शहर में
सिविल सोसाइटी सियासी समाजी ए कॉम्प्रेस धुरन तरफा एहतजाजी मुजाहरा प्ले कार्ड्स हथन में खड़ी रैलियो मुजाहरीन जो चवण है तो पंजाब सूबो बिन सूबन के मानून के जाली डोमिसाइल्स ठाए दियण मकामी मानून के हकन से धाड़ो है फौरी तौर डोमिसाइल्स रद्द कर मकामी मानून के नौकरियों दिन वन सिंध में माकड़ जो अजाब जारी सकरण बांधी जमाल शाह समेत मुख्तलिफ शहर में माकड़ घटजन बदर वेतन बढ़ने लगी आबादगारन जो समूरी कोशिशों नाकाम माकड़ वोण कमंद बो फसल खाई चट कर छो बरसात के करे भी माकड़ बढ़ने जो खदशो बढ़ी वो आबादगारन पारा फौरी तौर माकड़मार स्प्रे कराने जो मुताबिक मुल्क में पेट्रोल सस्तो थे कराची समेत सिंध के अक्सर शहर में पेट्रोल पंप्स बंद थी वया कराची में केतन ही इलाक में पेट्रोल पंपन त पेट्रोल गायब हाला बिन शहर में पेट्रोल लाए रवासी परेशान हैदराबाद में टे ढी भी पेट्रोल पंप्स बंद पयल खुलल पेट्रोल पंपन त पेट्रोल 74 रुपये बदर 76 रुपये फी लीटर मिलने लगो सिंध में रोलू ए छतन कुतन जो आजार बरकरार लाड़काने में छतन कुतन चैन बारड़न समेत 11 जड़न के डाढ़े जख्मी करे विधो चाणका एमरजेंसी वार्ड मुंतकिल सिंधड़ी में छतन कुतन बिन सगन भायरन के डाढ़े जख्मी करे छो जरवार में रोलू कुतन टिन जड़न के डाढ़े जख्मी कयो अस्पताल मुंतकिल मीरपुर खास में रोलू कुतन मासूम बाड़े के डाढ़े जख्मी करे विधो तंगवाणी में रोलू कुतन चैन जड़न के डाढ़े जख्मी करे छो अस्पताल में वैक्सीन न होने सबब छिते कुते डाढ़ियल जख्मी रुली वया नोटिस वठण जो मुताल सिंध में आबघात के वाकियन में घटताई न अची सकी मिठी लघु जोड़े मुबैना तौर इज्तमाही आबघात कर छो नौजवान संग्राम भील ए पार्वती भील जिंदगी जो डी उछाए छो वारसन जो चवण है तो बिन्हीं आबघात छो है खेन का खबर ना है सांगड़ में नारी ससु से छेड़े का जहरीली दवा पी छी गणती चोगी हालत में अस्पताल में मुल्क में ताजन बरसातुन का गुड्डू बैराज में पानी में वाद अचड़ लगी पानी की आमद 1,35,981 क्यूसिक रिकॉर्ड कंट्रोल रूम मौजूब गुड्डू बैराज में पानी जो वहकरो 1,15,922 क्यूसिक रिकॉर्ड किया वो ईंदड़ 24 कलाक दौरान पानी की सतह में इजाफो असलामुअलैकुम।